हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। एंड जैसा कि हमने कहा था कि हम सेकंड एआरसी रिपोर्ट्स को जल्दी कवर करने वाले हैं, तो हम सेकंड एआरसी की जो फर्स्ट रिपोर्ट रही, एआरसी मींस एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन, तो सेकंड टाइम जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन को इस्टेब्लिश किया गया था, उसकी जो फर्स्ट रिपोर्ट थी वो बेस्ड थी राइट टू इन्फॉर्मेशन यानी कि RTI पे। इस रिपोर्ट का नाम है राइट टू इन्फॉर्मेशन मास्टर की टू गुड गवर्नेंस। इस रिपोर्ट को दो हिस्सों में बांटा गया है, पार्ट वन एंड पार्ट टू। पार्ट वन डील करता है ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट एंड अदर लॉ, रूल्स एंड प्रोसीजर, कॉन्फिडेंशियलिटी, क्लासिफिकेशन, और पार्ट टू डील करता है राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, इश्यूज इन इम्प्लीमेंटेशन, एप्लीकेशन ऑफ द RTI टू द लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी, एंड रिमूवल ऑफ डिफिकल्टीज। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाकर के चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और आपको ये वीडियो कैसा लगा उसके बारे में कमेंट करके हमें बताएं, ठीक है। तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम शुरू करते हैं हम आपका लेक्चर, दैट इज़ बेस्ड ऑन द सेकेंड ARC रिपोर्ट। हम सबको पता है कि RTI एक्ट जो है वो 2005 में लाया गया था। RTI एक्ट वॉज इम्प्लीमेंटेड इन द ईयर 2005। पाथ ब्रेकिंग लेजिस्लेशन, एम्पावरिंग द पीपल एंड प्रमोटिंग ट्रांसपेरेंसी। दो काम करता है ये, एक तो लोगों को एम्पावर करता है और दूसरा ट्रांसपेरेंसी को प्रमोट करता है। रिपोर्ट कहती है कि गुड गवर्नेंस के चार एलिमेंट होते हैं। फर्स्ट इज ट्रांसपेरेंसी, सेकेंड इज अकाउंटेबिलिटी, थर्ड इज प्रेडिक्टेबिलिटी, एंड फोर्थ इज पार्टिसिपेशन। ट्रांसपेरेंसी को रिपोर्ट डिस्क्राइब करती है दैट अवेलेबिलिटी ऑफ इन्फॉर्मेशन टू द जनरल पब्लिक एंड क्लैरिटी अबाउट फंक्शनिंग ऑफ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन। यानी कि एक तो जनरल पब्लिक को पता हो कि क्या हो रहा है गवर्नमेंट में, दूसरा गवर्नमेंट की जितनी भी बॉडीज हैं, गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस हैं, वो कैसे काम कर रहे हैं, तभी आप कहोगे कि पर्टिकुलर गवर्नमेंट ट्रांसपेरेंट है, राइट। ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है कि आप देख सकते हैं, आर पार देख सकते हैं। आर पार इन द सेंस कि गवर्नमेंट के चारों तरफ एक सीक्रेसी ना हो, गवर्नमेंट की जो फंक्शनिंग हो रही है या उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो जनरल पब्लिक के बीच में अवेलेबल है। इन्फॉर्मेशन से क्या होता है, इन्फॉर्मेशन इनेबल द सिटीजन्स टू पार्टिसिपेट इन अ गवर्नेंस इफेक्टिवली। लोग अच्छे या बेहतर तरीके से पार्टिसिपेट कर पाते हैं। RTI इज़ अ बेसिक नेसेसिटी टू गुड गवर्नेंस। सेकेंड ARC ये कहती है कि अगर आप गुड गवर्नेंस को इंश्योर करना चाहते हैं तो RTI जो है वो बेसिक रिक्वायरमेंट है। हम बात करते हैं सबसे पहले ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट और अदर लॉ के बारे में, यानी कि ऐसे लॉ जो RTI को इम्प्लीमेंट करने में या कहीं ना कहीं RTI का जो मोटिव है उसको प्रॉपरली इम्प्लीमेंट करने में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट्स और अदर लॉ, इनको क्रिएट करने के पीछे क्या रीज़न रहा, ये मानना था गवर्नमेंट का कि पब्लिक इंटरेस्ट इज बेस्ट सर्व्ड इफ सर्टेन सेंसिटिव मैटर्स अफेक्टिंग नेशनल सिक्योरिटी आर कैप्ट आउट ऑफ पब्लिक गेज। यानी कि आप पब्लिक इंटरेस्ट को बेहतर तरीके से तभी सर्व कर सकते हो अगर कुछ मैटर को लोगों की नज़रों से दूर रखा जाए, ठीक है। ये याद रखिएगा कि जब आप ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट पढ़ेंगे तो सेक्शन 8 भी यही बात कहता है। सेक्शन 8 जो है ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट का, इट एग्जेम्प्ट ऑल सच मैटर फ्रॉम डिस्क्लोजर, राइट। ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट 1923 में लाया गया था, इनएक्टेड ड्यूरिंग द कॉलोनियल एरा, क्योंकि उस टाइम पर ब्रिटिश गवर्नमेंट का राज था हमारे यहाँ पर। Govern all the matters of secrecy and confidentiality in the governance, right? Official Secrets Act के अलावा Civil Service Conduct Rule है 1964, वो भी prohibit करता है communication of an official document to anyone without authorization. हम Civil Service Conduct Rules को भी अच्छे से discuss करेंगे। Next जो है वो Section 123 of Indian Evidence Act है, 1872 में लाया गया था। It also prohibit the giving of evidence from unpublished official records without permission of head of the department. आप देख पा रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे एक्ट मिलेंगे आपको जो कि फ्रीडम या इंडिपेंडेंस से पहले इनेक्ट किए गए थे और अभी तक भी चलते आ रहे हैं, ठीक है। तो इनमें से प्रोमिनेंट कौन कौन से हैं, ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट 1923, सिविल सर्विस कंडक्ट रूल 1964, एंड सेक्शन 123 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। ये आगे भी हम फर्दर रिपोर्ट के अंदर बार बार डिस्कस करेंगे। सबसे पहले समझिए कि ये जो ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट है OSA, इसके फीचर्स क्या क्या हैं। जो ये लॉ बनाया गया था ये ब्रॉडली दो एस्पेक्ट से डील करता है, सेक्शन 3 और सेक्शन 5, ठीक है। सेक्शन 8 हम अभी रिसेंटली डिस्कस किया है। सेक्शन 3 क्या कहता है, इट डील विद द स्पाइंग और एस्पायनेज, और सेक्शन 5 डील करता है विद द डिस्क्लोजर ऑफ अदर सीक्रेट इन्फॉर्मेशन ऑफ द गवर्नमेंट। सेक्शन 3 डील्स विद स्पाइंग यानी कि कोई जासूसी कर रहा है, और सेक्शन 5 डील करता है कि कोई भी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन जो है वो गवर्नमेंट की लीक की गई है, राइट। अंडर सेक्शन 5 बोथ द पर्सन हु कम्युनिकेट द इन्फॉर्मेशन कैन बी पनिश्ड बाय द प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी, ठीक है। जिसने कम्युनिकेट मतलब
जो कम्युनिकेट करता है इन्फॉर्मेशन को एज वेल एज जिसको इन्फॉर्मेशन मिली है, दोनों को प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी जो वो पनिश कर सकती है, राइट। ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट वुड नॉट कम इन द वे ऑफ डिस्क्लोजर ऑफ इन्फॉर्मेशन इफ इट इज अदरवाइज परमिसिबल अंडर आरटीआई एक्ट। रिपोर्ट ये कहती है कि मान लो कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर आरटीआई एक्ट के अंडर परमिसिबल है तो ओएसए बीच में नहीं आता, लेकिन ओएसए की वजह से एक सीक्रेसी का कल्चर डेवलप हुआ है, नॉन डिस्क्लोजर का कल्चर डेवलप हुआ है, लेकिन कहीं पर भी ये जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है, वर्ड जो है सीक्रेट, ये कहीं पर डिफाइन नहीं किया गया है। द वर्ड सीक्रेट और द फ्रेज ऑफिशियल सीक्रेट्स हैज़ नॉट बीन डिफाइंड इन द एक्ट, देयरफॉर पब्लिक सर्वेंट एंजॉय द डिस्क्रिशन टू क्लासीफाई एनीथिंग एज सीक्रेट। ब्यूरोक्रेसी क्या करती है, कुछ भी चीज़ हो क्योंकि डेफिनेशन नहीं दे रखी कि क्या सीक्रेट होगा, तो वो अपने हिसाब से उसकी डेफिनेशन बना करके चलती है, राइट। पब्लिक सर्वेंट को यहाँ पर डिस्क्रिशनरी पावर मिल जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने एक वर्डिक्ट दी थी इन द समा अलाना अब्दुल्ला वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात का केस रहा, उसमें ये कहा था सुप्रीम कोर्ट ने कि स्केच, प्लान, मॉडल, आर्टिकल, नोट और डॉक्यूमेंट नीड नॉट नेसेसरली बी सीक्रेट इन ऑर्डर टू बी कवर्ड बाई द एक्ट प्रोवाइडेड इट इज़ क्लासीफाइड एज एन ऑफिशियल सीक्रेट। ये आप कोट कर सकते हो सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट को। लॉ कमीशन ने भी सेम बात कही अपनी 43rd रिपोर्ट में, उन्होंने समराइज किया सेक्शन 5 से रिलेटेड जितनी भी डिफिकल्टीज थी और उन्होंने सजेस्ट किया एक नेशनल सिक्योरिटी बिल, ठीक है। ARC भी लॉ कमीशन की रिपोर्ट से सहमति जताती है और वो कहती है कि नेशनल सिक्योरिटी शुड बी कंसोलिडेटेड और उसके बाद में नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लाया गया 1980s में, ठीक है। अब आप ये समझिए कि हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे एक्ट हैं या बहुत सारे ऐसे इनेक्टमेंट हैं, लेजिस्लेशन है जो कि नेशनल सिक्योरिटी से डील करती हैं, राइट। द वेरियस इनेक्टमेंट इन इंडिया डीलिंग विद द ऑफेंस अगेंस्ट नेशनल सिक्योरिटी कौन कौन से हैं, पहला है चैप्टर 6 and 7 ऑफ IPC इंडियन पिनल कोड, सेकेंड है द फॉरेन रिक्रूटिंग एक्ट 1874, थर्ड है ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट 1923, क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 1938, द क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 1961, अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट 1967। तो इन सारे जो लेजिस्लेशन है इनको कंसोलिडेट करके एक बना देना चाहिए, दैट इज नेशनल सिक्योरिटी एक्ट या नेशनल सिक्योरिटी बिल, लॉ कमीशन ने ये बात कही थी। उसके बाद में शौरी कमेटी को अपॉइंट किया गया। शौरी कमेटी आपको जब आप रिपोर्ट पढ़ते हो तो बार बार इस कमेटी के बारे में जिक्र आता है, इसलिए मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा यहाँ पर थोड़ा सा सर्च करके डाला है अपनी तरफ से। समझिए शौरी कमेटी क्या थी, 1997 में एक वर्किंग ग्रुप कॉन्स्टिट्यूट किया गया था जिसको टाइटल दिया गया था राइट इन्फॉर्मेशन ट्रांसपेरेंसी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ HD शौरी। उन्होंने रिकमेंडेशन क्या दी थी, पहली सजेस्टेड ए कॉम्प्रिहेंसिव अमेंडमेंट ऑफ सेक्शन 5 टू मेक द पीनल प्रोविजन ऑफ OSA एप्लीकेबल ओनली टू वॉयलेशन अफेक्टिंग नेशनल सिक्योरिटी, यानी सेक्शन 5 को अमेंड करने की बात कही थी, ठीक है। सेकेंड थिंग द डिस्क्लोजर ऑफ इन्फॉर्मेशन हैज़ टू बी द नॉर्म एंड कीपिंग इट सीक्रेट शुड बी एक्सेप्शन, कि जनरली आपको इन्फॉर्मेशन दे देनी है, एक्सेप्शनली ऐसा होना चाहिए, कभी कभी ऐसा हो एक्सेप्शन केसेस में जब आप किसी इन्फॉर्मेशन को सीक्रेट रखें, ठीक है। द ओल्ड लॉ, जितने भी पुराने कानून हैं, मस्ट बी रिपील्ड और मॉडिफाइड फॉर सेंडिंग अ स्ट्रॉन्ग सिग्नल अबाउट द चेंज और एंड फॉर द सेक ऑफ इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द लॉ, ठीक है। जो पुराने कानून हैं या तो उनको रिपील कर दो, हटा दो, या उनको मॉडिफाइड कर दो, ठीक है, ताकि कानून का बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंटेशन हो सके। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, ये रिकमेंडेशन है सेकेंड ARC की, वो क्या कहती है कि जो ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट है 1923 का शुड बी रिपील्ड एंड सब्स्टिट्यूटेड बाय अ चैप्टर इन द नेशनल सिक्योरिटी एक्ट कंटेनिंग प्रोविजंस रिलेटिंग टू ऑफिशियल सीक्रेट्स, यानी कि आप इस एक्ट को ही ख़त्म कर दो, ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट को, और इसकी बजाय एक नेशनल सिक्योरिटी एक्ट वाला जो कानून है उसके अंदर एक चैप्टर ऐड कर दो, ठीक है, ताकि जो ऑफिशियल सीक्रेट से रिलेटेड प्रोविजन है वो सारे के सारे उस एक्ट के अंदर आ जाए। फिर बात करते हैं गवर्नमेंट प्रिविलेज इन एविडेंस की, यानी कि जब सबूत, मान लीजिए किसी पर्सन ने गवर्नमेंट के अगेंस्ट केस किया है, तो जब सबूत पेश करने की बात आती है तो गवर्नमेंट को कुछ छूट मिलती है, गवर्नमेंट का प्रिविलेज है वहाँ पर, राइट, कुछ विशेषाधिकार दिए हुए हैं गवर्नमेंट को, वो क्या है, स्पेशल प्रोसीजरल एडवांटेज एंड प्रोटेक्शन आर इंजॉयड बाई द स्टेट, वन सच प्रोटेक्शन ऑपरेट इन द फील्ड ऑफ एविडेंस, राइट, एक ऐसा ही जो प्रोटेक्शन है वो एविडेंस के फील्ड में है,
एविडेंस की अगर हम बात करें तो ये जो प्रिविलेज टर्म है, प्रिविलेज मीन्स विशेषाधिकार, ये यूज़ किया गया है एविडेंस लॉ, मीन्स फ्रीडम फ्रॉम कंपल्शन टू गिव एविडेंस, यानी आपको आप पे ज़बरदस्ती एविडेंस प्रोड्यूस करने का कंपल्शन नहीं किया जा सकता। सेकेंड थिंग, टू डिस्कवर मटेरियल और टू राइट टू प्रिवेंट और बार इन्फॉर्मेशन फ्रॉम अदर सोर्स ड्यूरिंग और इन कनेक्शन विद लिटिगेशन बट ऑन ग्राउंड एक्सट्रिंसिक टू द गोल्स ऑफ लिटिगेशन। बेसिकली यहाँ पर एक तरीके से छूट दी गई है, या कह सकते हैं कि स्टेट को ज़्यादा पावर दी गई है। सेक्शन 123 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 ये क्या कहता है, इट प्रोहिबिट द गिविंग ऑफ एविडेंस डिराइव्ड फ्रॉम अनपब्लिश्ड ऑफिशियल रिकॉर्ड्स रिलेटिंग टू द अफेयर ऑफ स्टेट एक्सेप्ट विद द परमिशन ऑफ हेड ऑफ डिपार्टमेंट। मान लीजिए कि कोई भी जो गवर्नमेंट रिकॉर्ड है, ऑफिशियल रिकॉर्ड है, वो पब्लिश नहीं हुआ है, ठीक है, तो आप उसको एज एन एविडेंस प्रोड्यूस नहीं कर सकते अनलेस आपको उस हेड ऑफ द डिपार्टमेंट की परमिशन नहीं मिल जाती, राइट। सेक्शन 124 क्या कहता है, दैट नो पब्लिक ऑफिसर शैल बी कंपेल्ड टू डिस्क्लोज कम्युनिकेशन मेड टू हिम इन ऑफिशियल कॉन्फिडेंस व्हेन ही कंसिडर दैट द पब्लिक इंटरेस्ट वुड सफर बाय द डिस्क्लोजर। यानी कि कोई भी पब्लिक ऑफिसर जो है, नो पब्लिक ऑफिसर, उसको कंपेल नहीं कर सकते, ठीक है, कि वो जितनी भी कम्युनिकेशन है उसको डिस्क्लोज करे ऑफिशियल कॉन्फिडेंस की, या उसको अपनी ऑफिशियल पोजीशन की वजह से जो कम्युनिकेशन मिला है या जो उसके पास है इन्फॉर्मेशन है, कंपेल नहीं कर सकते आप उसको उजागर करने के लिए, उसको बताने के लिए, ठीक है। अगर उसको लगे कि अगर मैंने ये बात बता दी पब्लिक में जा करके तो पब्लिक इंटरेस्ट कहीं ना कहीं सफ़र होगा, तो उसके पास चॉइस है कि वो उस इन्फॉर्मेशन को अपने आप तक सीमित रखे, वो उसको ना बताएं, ठीक है। सेक्शन 123 एंड सेक्शन 124, ऑब्वियसली सेकंड एआरसी ने इन दोनों सेक्शन को रिमूव करने की या रिपील करने की बात कही है। लॉ कमीशन ने अपनी 69th और 88th रिपोर्ट जो दी थी वो इंडियन एविडेंस एक्ट पे दी थी, और उन्होंने सजेस्ट किया था कि सेक्शन 123 और 124 को अमेंड किया जाना चाहिए। सॉरी कमेटी ऑल्सो रिकमेंडेड द सेम, राइट। बात करें ऑथ ऑफ सीक्रेसी की, ऑथ ऑफ सीक्रेसी मतलब कि एक यूनियन मिनिस्टर जब अपने ऑफिस में जाता है या अज्यूम करता है ऑफिस को, तो उसको एक ऑथ लेनी पड़ती है, एक शपथ लेनी पड़ती है, उस शपथ को कहते हैं ऑथ ऑफ सीक्रेसी, ठीक है। और वो ऑथ होती क्या है, दैट आई विल नॉट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कम्युनिकेट और रिवील टू एनी पर्सन और पर्सन्स एनी मैटर विच शैल बी ब्रॉट अंडर माई कंसिडरेशन। यहाँ तक समझिए कि मैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कोई भी इंफॉर्मेशन किसी इंसान को नहीं दूंगा जो मेरी नॉलेज में लाई जाएगी, और शैल बिकेम नॉन टू मी एज अ मिनिस्टर फॉर द यूनियन एक्सेप्ट एज मे बी रिक्वायर्ड फॉर द ड्यू डिस्चार्ज ऑफ माई ड्यूटीज एज सच मिनिस्टर। यानी कि मैं कोई भी अपनी इंफॉर्मेशन जब तक मेरे वो ड्यूटीज़ को फुलफिल करने में हेल्पफुल नहीं है तब तक मैं उस इन्फॉर्मेशन को किसी को नहीं बताऊंगा, ठीक है। मिनिस्टर ऑफ द स्टेट, मिनिस्टर इन द स्टेट गवर्नमेंट ऑल्सो टेक द सिमिलर ऑथ। तो नेशनल कमीशन इस्टेब्लिश किया गया था एक टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, उसने ये कहा था कि इनफैक्ट वी शुड हैव ए ऑथ ऑफ ट्रांसपेरेंसी इन प्लेस ऑफ एन ऑथ ऑफ सीक्रेसी। आप ऑथ ऑफ ट्रांसपेरेंसी लीजिए, ट्रांसपेरेंसी की शपथ लीजिए, सीक्रेसी की शपथ मत लीजिए, ठीक है। पब्लिक ऑथ ऑफ सीक्रेसी एट द टाइम ऑफ अजम्पशन ऑफ ऑफिस इज बोथ अननेसेसरी एंड रिपग्नेंट टू द प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट एंड पॉपुलर सॉवरेनिटी। ऐसी कोई शपथ का होना ये बेसिकली ये आपके डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट है, ठीक है, आपके ट्रांसपेरेंसी या जो आरटीआई एक्ट आप लेकर के आए हो उसके अगेंस्ट है। ऑफिस में जाने से पहले वो पर्सन कह रहा है कि मैं अपनी कोई भी इन्फॉर्मेशन जो है वो मैं जनरल पब्लिक में रिवील नहीं करूँगा, तो इसका मतलब कि वो कहीं ना कहीं आरटीआई या जो हमारे जो बेसिक डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल है उन पे वो प्रॉपरली फॉलो नहीं हो पाएंगे। तो यहाँ पर रिकमेंडेशन दी गई है that as an affirmation to, of the importance of transparency in public affair, ministers on assumption of the office may take an oath of transparency along with the oath of office and requirement of administering the oath of secrecy should be dispensed with. यानी कि आप ट्रांसपेरेंसी की शपथ लीजिए, ठीक है। थर्ड शेड्यूल जो कॉन्स्टिट्यूशन का दिया हुआ है उसको एक बार देखिए किससे डिस्कस करता है थर्ड शेड्यूल, आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, ठीक है, टोटल कितने शेड्यूल है और थर्ड शेड्यूल किससे डील करता है। आर्टिकल 75 और 164 एंड थर्ड शेड्यूल शुड बी सुटेबली अमेंडेड, ठीक है।
सेफगार्ड अगेंस्ट डिस्क्लोजर ऑफ इन्फॉर्मेशन अगेंस्ट द नेशनल इंटरेस्ट मे बी प्रोवाइडेड थ्रू रिटन अंडरटेकिंग बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ ए क्लॉज इन द नेशनल सिक्योरिटी लॉ डीलिंग विद द ऑफिशियल सीक्रेट। यहाँ पर आप क्या कीजिए, आपको सेफगार्ड इंश्योर करना ज़रूरी है, तो आप क्या कीजिए कि जो नेशनल सिक्योरिटी लॉ है उसी के अंदर एक क्लॉज नया बना करके डाल दीजिए। नया कानून लाने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने नेशनल सिक्योरिटी लॉ के अंदर ही एक क्लॉज डाल दीजिए। आर्टिकल 75, आर्टिकल 164 एंड थर्ड शेड्यूल, ये तीनों के तीनों डील करते हैं ऑथ से, ठीक है। एग्जेम्प्टेड ऑर्गेनाइजेशन, अब हम आप जब आरटीआई एक्ट को पढ़ेंगे तो उसके अंदर कुछ एग्जेम्प्टेड ऑर्गेनाइजेशन दे रखे हैं, ठीक है। आरटीआई एक्ट का सेक्शन 24 कहता है दैट नथिंग कंटेंड इन दिस एक्ट शैल अप्लाई टू द इंटेलिजेंस एंड सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन स्पेसिफाइड इन द सेकेंड शेड्यूल। समझिए इस चीज़ को कि कुछ इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन को एग्जेम्प्ट किया गया है, और कौन कौन सी ऐसी बॉडीज होंगी उनको मेंशन किया है सेकंड शेड्यूल में, ठीक है। बीइंग ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और एनी इन्फॉर्मेशन फर्निश्ड बाय सच ऑर्गेनाइजेशन टू दैट गवर्नमेंट। शेड्यूल टू जो है आरटीआई एक्ट का कंटेन द नेम्स ऑफ इंटेलिजेंस एंड सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन विच आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द परव्यू ऑफ द एक्ट। यहाँ पर मैंने एक्स्ट्रा लिस्ट ऐड की है जो जो ऑर्गेनाइजेशन सेकंड शेड्यूल के अंदर ऐड किए गए हैं। 17 है इसके अंदर, इंटेलिजेंस ब्यूरो है, रो है, कैबिनेट सेक्रेटरीट की, डायरेक्टरेट ऑफ रिवेन्यू इंटेलिजेंस, सेंट्रल इकोनॉमिक इंटेलिजेंस ब्यूरो, डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट, ठीक है। यहाँ पर आप देखिए कि BSF को ऐड किया गया है, ITBP, CISF, NSG और असम राइफल को ऐड किया गया है, आर्मी को यहाँ पर ऐड नहीं किया गया है, ठीक है। सेकंड शेड्यूल मतलब इन ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड जो है वो कोई भी इंफॉर्मेशन सीक नहीं की जा सकती, यानी कि ये जो है वो एग्जेम्प्टेड ऑफिस या एग्जेम्प्टेड ऑर्गेनाइजेशन हैं, क्लियर। तो इससे रिलेटेड रिकमेंडेशन दी गई थी कि आर्म्ड फोर्सेज को भी इसमें इंक्लूड किया जाना चाहिए, राइट। द आर्म्ड फोर्सेज शुड बी इंक्लूडेड इन द सेकेंड शेड्यूल ऑफ द एक्ट। सेकेंड बात कहता है कि इस एक्ट, ये जो शेड्यूल है इसको पेरियोडिकली रिव्यू करते रहना चाहिए, राइट। ऑल ऑर्गेनाइजेशन लिस्टेड इन द सेकेंड शेड्यूल हैव टू अपॉइंट PIO। PIO मीन्स वो ऑफिसर जो आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो हर अभी तक क्या था कि जो एग्जेम्प्टेड ऑर्गेनाइजेशन हैं उनको PIO अपॉइंट करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये बात कहेगी कि जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हैं जो एग्जेम्प्टेड ऑर्गेनाइजेशन है उनके अंदर अपॉइंट किया जाना चाहिए एक PIO, राइट। अपील्स अगेंस्ट ऑर्डर ऑफ PIO शुड लाई विद CIC और SIC। CIC मीन्स चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर। दिस प्रोविजन कैन बी मेड बाई वे ऑफ रिमूवल ऑफ डिफिकल्टी अंडर सेक्शन 30। ये हम आगे देखेंगे कि ये चीज़ क्या है, बट इतना समझ लीजिए कि अगर आपको PIO के ऑर्डर्स के अगेंस्ट अपील करनी है तो आप CIC या SIC, स्टेट इन्फॉर्मेशन कमिश्नर या चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर तक आप ये अपील कर सकते हैं। आई होप यहाँ तक आपको ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट और ये सब चीज़ें समझ में आ गई। नेक्स्ट बात करते हैं हम सेंट्रल सिविल सर्विस कंडक्ट रूल्स की। बेसिक क्या है ये समझ लीजिए कि जो सेंट्रल सिविल सर्विस कंडक्ट रूल्स हैं प्रोहिबिट अनऑथोराइज्ड कम्युनिकेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन। आप यहाँ पर ये बेसिकली प्रोहिबिट करता है इन्फॉर्मेशन को कि आप यहाँ से इन्फॉर्मेशन नहीं ले सकते। शौरी कमेटी क्या कहती है दैट देर इज़ अ वाइड स्प्रेड फीलिंग दैट द सेंट्रल सिविल सर्विस कंडक्ट रूल 1964 एंड ए कॉरस्पॉन्डिंग रूल्स एप्लीकेबल टू द रेलवे फॉरेन सर्विस एंड ऑल इंडिया सर्विसेज इनहिबिट गवर्नमेंट सर्वेंट फ्रॉम शेयरिंग इन्फॉर्मेशन विद पब्लिक। यानी कि सेंट्रल सिविल सर्विस कंडक्ट रूल्स प्लस में ऐसे ही कुछ रूल्स हैं रेलवे से रिलेटेड, फॉरेन सर्विस से रिलेटेड, ऑल इंडिया सर्विस से रिलेटेड, जो कि गवर्नमेंट को रोकते हैं इन्फॉर्मेशन शेयर करने से विद द पब्लिक, राइट। द एक्सेंट इन दीज रूल इज ऑन डिनाइल ऑफ इन्फॉर्मेशन टू पब्लिक। यहाँ पर क्या होता है, इन्फॉर्मेशन को डिनाई किया जा रहा है। द सिचुएशन हैज़ ऑब्वियसली टू चेंज इफ फ्रीडम ऑफ इन्फॉर्मेशन एक्ट इज टू सर्व इट्स पर्पज एंड इफ ट्रांसपेरेंसी इज टू बी ब्रॉट अबाउट इन द सिस्टम। तो ये जो सिचुएशन है ये चेंज करने की ज़रूरत है अगर आप चाहते हैं कि ट्रांसपेरेंसी आए और जिस पर्पज़ के साथ आप RTI लेकर के आए हैं वो पर्पज़ पूरा फुलफिल हो। कमीशन भी इस बात से एग्री करता है, शौरी कमेटी के इस व्यू से एग्री करता है। द सेंट्रल सिविल सर्विस कंडक्ट रूल वर फॉर्मुलेटेड व्हेन द RTI डिड नॉट एग्जिस्ट, राइट। पहले बनाए गए हैं ये, RTI इस टाइम नहीं था। तो इन रूल्स की जो स्पिरिट है, जो आत्मा है, वो बेसिकली क्या है कि हमें इन्फॉर्मेशन अपने आप तक ही सीमित रखनी है, इज टू होल्ड बैक द इन्फॉर्मेशन। विद द इमर्जेंस ऑफ एन एरा ऑफ फ्रीडम ऑफ इन्फॉर्मेशन दीज रूल वुड हैव टू बी रिकास्ट सो दैट डिसेमिनेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन इज द रूल एंड होल्डिंग बैक इन्फॉर्मेशन इज एन एक्सेप्शन। इनको रिकास्ट करने की ज़रूरत है, ठीक है, और इस तरीके से बनाने की ज़रूरत है कि
रूल को इंफॉर्मेशन को डिसेमिनेट करना है, इंफॉर्मेशन को जनरल पब्लिक तक देना वो एक रूल होना चाहिए, और अपने आप तक सीमित रखना इंफॉर्मेशन वो एक एक्सेप्शन होना चाहिए, राइट? बात करते हैं कॉन्फिडेंशियलिटी क्लासिफिकेशन। आपने बहुत बार ये वर्ड सुना होगा कि काफ़ी कॉन्फिडेंशियल फाइल है, कॉन्फिडेंशियल ये बात है कि किसी को पता ना चल जाए, लेकिन कॉन्फिडेंशियलिटी का क्लासिफिकेशन कैसा होता है? टॉप सीक्रेट है, ठीक है, इसको बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए, क्या ये सीक्रेट है, क्या ये कॉन्फिडेंशियल है, इसकी ग्रेडिंग कैसे होती है? शौरी कमेटी ने इस इशू को अच्छे से पढ़ा समझा और उसने कहा कि अ मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर टू द लेक ऑफ ट्रांसपेरेंसी इज द टेंडेंसी टू क्लासीफाई इन्फॉर्मेशन इवन वेयर सच क्लासिफिकेशन इज क्लियरली अनजस्टिफाइड। आपके ट्रांसपेरेंसी में सबसे बड़ी रुकावट ये आ रही है कि आप अननेसेसरली इन्फॉर्मेशन को क्लासीफाई कर देते हो जहाँ पर क्लासीफिकेशन की जरूरत ही नहीं है। देर इज ऑल्सो द टेंडेंसी टू अकॉर्ड हायर क्लासीफिकेशन दैन इज अनवॉरेंटेड, राइट, देन इज वॉरेंटेड। द मैनुअल ऑफ डिपार्टमेंटल सिक्योरिटी इंस्ट्रक्शंस, ये समझिए, ये जो मैनुअल है डिपार्टमेंटल सिक्योरिटी इंस्ट्रक्शन, ये इशू किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के द्वारा, राइट? और दूसरा जो मैनुअल है मैनुअल ऑफ ऑफिस प्रोसीजर, ये दोनों के दोनों मैनुअल क्या करते हैं, इनकॉर्पोरेट सम ऑफ दीज इंस्ट्रक्शन डू ले डाउन द क्राइटेरियन गाइडलाइन फॉर द क्लासिफिकेशन। इन दोनों मैनुअल में रिपोर्ट की क्लासिफिकेशन या इन्फॉर्मेशन की क्लासिफिकेशन की गाइडलाइन दी हुई है, राइट? एंड स्पेसिफाई द अथॉरिटी इज कम्पिटेंट टू ऑथोराइज क्लासिफिकेशन ग्रेडिंग, और कौन सी अथॉरिटी कह सकती है, ऑथोराइज कर सकती है क्लासिफिकेशन को कि ये टॉप सीक्रेट रहेगा, ये सीक्रेट रहेगा, ये कॉन्फिडेंशियल रहेगा, वो सारी चीज़ें भी इन दोनों मैनुअल के अंदर दी गई है। वंस इन्फॉर्मेशन गेट्स ए सिक्योरिटी क्लासिफिकेशन इट मूव्स आउट ऑफ द पब्लिक डोमेन। अगर किसी इन्फॉर्मेशन को सिक्योरिटी क्लासिफिकेशन मिल गया तो वो पब्लिक डोमेन से बाहर हो जाएगी, पब्लिक तक उसकी पहुंच नहीं रहेगी। इवन द आरटीआई एक्ट रिस्पेक्ट द नीड टू कीप सर्टेन इन्फॉर्मेशन आउटसाइड द पब्लिक डोमेन। आरटीआई एक्ट भी ये बात कहता है कि ज़रूरी है कुछ इन्फॉर्मेशन पब्लिक डोमेन से बाहर रखी जाए ताकि आपकी जो सिक्योरिटी है नेशनल सिक्योरिटी उसको खतरा न रहे, राइट? साधारणतः क्या होता है, ओनली सच इन्फॉर्मेशन शुड बी गिवन इन अ सिक्योरिटी क्लासिफिकेशन विच वुड क्वालिफाई फॉर एग्जेम्पशन फ्रॉम डिस्क्लोजर अंडर द आरटीआई एक्ट 2005। सिर्फ उन्हीं इन्फॉर्मेशन को क्लासिफाई करो जिनको एग्जेम्पशन मिला हुआ है अंडर द आरटीआई एक्ट 2005। डॉक्यूमेंट जिनको आपने एक बार टॉप सीक्रेट सीक्रेट क्लासीफाई कर दिया उनको क्लासीफाई, वैसे मतलब शुड रिमेन सो क्लासीफाइड एज लॉन्ग एज रिक्वायर्ड बट नॉट एक्सीडिंग 30 ईयर, यानी सिर्फ 30 साल तक ही आप उनको टॉप सीक्रेट सीक्रेट डॉक्यूमेंट बना करके रख सकते हो, ठीक है? और जिन डॉक्यूमेंट पे आपने कॉन्फिडेंशियल का मतलब लगाया, ठप्पा लगाया है कि ये कॉन्फिडेंशियल है, वो 10 साल तक आप अपने पास रख सकते हो, उसके बाद आपको पब्लिक में वो दिखानी पड़ेगी, ठीक है? कॉन्फिडेंशियल एंड रिस्ट्रिक्टेड शुड रिमेन सो फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 10 ईयर। और ऑफिसर्स जो ये ग्रेडिंग दे सकते हैं वो कौन कौन से होने चाहिए, टॉप सीक्रेट कोई है तो नॉट बिलो द जॉइंट सेक्रेटरी, सीक्रेट डिप्टी सेक्रेटरी, और कॉन्फिडेंशियल नॉट बिलो द अंडर सेक्रेटरी, यानी कि अंडर सेक्रेटरी से अबो जो ऑफिशियल है वही ये सारी चीज़ें जो हैं वो डिसाइड कर सकते हैं, राइट? द स्टेट गवर्नमेंट मे ऑथोराइज ऑफिसर्स ऑफ इक्विवेलेंट रैंक टू अकॉर्ड द ग्रेडिंग। स्टेट गवर्नमेंट को भी जो इक्विवेलेंट रैंक के ऑफिसर्स हैं उनको अपॉइंट करना चाहिए ग्रेडिंग को अकॉर्ड करने के लिए, ग्रेडिंग बताने के लिए कि ये टॉप सीक्रेट है, ये सीक्रेट है, ये कॉन्फिडेंशियल है, फाइन? थैंक यू सो मच। ज़्यादा इसलिए कवर नहीं किया है क्योंकि पार्ट टू में हमारा जो बचा हुआ रिपोर्ट का सेक्शन है वो हम पार्ट टू के अंदर कवर करेंगे। काफ़ी सारे हैं जो इश्यूज़ हैं इंप्लीमेंट करने में आरटीआई के, वो क्या क्या है और किस तरीके से हम उनको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो आज का सेशन यहीं पे ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे हम पार्ट टू के साथ। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो, कमेंट एंड शेयर एज मच एज यू कैन। थैंक यू सो मच।